Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Adu. Happy birthday to you. Happy birthday, beta. Thank you. तू रोने वाला था ना? हाँ, ऐसा लग रहा था कि कोई भी बर्थडे विश नहीं करेगा. और इसीलिए जग कर बैठ गया था. नहीं नहीं, वो तो मच्छर थे ना. ओ अच्छा बच्चू, तुझे मच्छर काट रहे थे? हाँ, तुझे मच्छर काट रहे थे? आया हाँ, मच्छर काट रहे थे. ये तो वही है ना, व्यास जी बीमा वालों की बहू, छोटी वाली. अरे हाँ हाँ, इसी का हस्बैंड था ना जो तब से यही रह रही है अपने बच्चों को साथ लेकर ससुराल में. बाप की कमाई हुई सारी इज्जत एक झटके में गंवा दी बेटे ने. हाँ जी मैडम. आपने पैसे ज्यादा लौटा दिए. थैंक यू मैडम. देख रही हो, ऐसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं भला. अंदर आती पर क्या करूं, घर में पहले से ही इतने सारे भगवान जो राह देख रहे हैं. किसी को चाय चाहिए तो किसी को दूध. अच्छा फिर मिलूंगी. घर में भगवान है लग रहा है, मेंटल हो गई है. छी छी छी, हे भगवान, करंट लगे इसको, घोंसले में आग लग जाए. मुए ने सारे कपड़े गंदे कर दिए. दूसरों पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है. पापा जी. अरे ले आई जे पड़े बिना तो सुबह की चाय गले से नहीं उतरती. तनु, तू कुर्सी भी सीधी नहीं रख सकता क्या? ये ले तेरी सेट. हाँ देख, किसी को कानो कान खबर ना लगने दी होगी. भाभी दूध. हाँ. अरे लोन पर उठाई होगी ना. है नकद या पूरा 7 लाख. अरे इतने पैसे कब कमा लिए उनने है कि गाड़ी पे खर्चन करने लगे. जी ये रही आपकी मैगजीन. मिली? हाँ, आपके रणबीर कपूर वाले. अतो आजकल की छोरियां भी ना, अरे पहचान ही नहीं है इन्हें हीरे की. कितने बार दिल तोड़ा बेचारे का. अरे मेघा, मेरे नेल पॉलिश का रंग कितना सुंदर लग रहा है. अच्छी है ना, आ तुझे भी लगा दूं. अद्दू बर्थडे तो समझ, अब छुट्टी लेगा, स्कूल नहीं जाना है क्या? आज सैटरडे है मम्मी, छुट्टी है. ओह रिनू, रिनू, मेरी कमीज प्रेस नहीं हुई अब तक. लाइए भैया मैं कर देती हूँ.
माँ फूल। माँ दवाई भी लाई हूँ। रख दे, मैं पी लूंगी। माँ 2 मिनट लगेंगे। ये लीजिए। मेगा, वो फॉर्म का क्या हुआ? जी भैया, आधार कार्ड के फॉर्म्स भर दिए हैं और सबकी फोटो भी चिपका दी। मेगा बेटा, मम्मी को दवाई पिला दी ना? हाँ पापा जी, पिला दी। मेगा, कुकर बनने दिया? हाँ भाभी, दे दिया। शाम को आएगा रिपेयर होके। दाल में छौंक लगा दी? हाँ लगा दी। क्यों, भूख लगी है? तनु भैया के जूते धो दिए? हाँ धो दिए। केबल वाले को शिकायत कर दी? हाँ की। आटा गूंदा? हाँ गूंदा। चाय पी? हाँ। जा रही हूँ मेरी माँ, जा रही। पता है तुम्हारी वजह से मेरी चीनी कम हो गई है। कल रात बड़ा मजा आया, हमने अद्दू को खूब प्यार किया और उसके लिए हैप्पी बर्थडे भी गाया। बेसुरा था पर गाया। बहुत दिनों बाद हम इतना हंसे। उसे जो गुदगुदी की कि वो तो हंसते हंसते ही पागल हो गया और उसे देखकर हम सब भी हंसते हंसते पागल हो गए। ननी ने तो अद्दू को छोड़ा ही नहीं। यकीन नहीं होता कि तुम, ऐसा लगता है कि अभी नजर घुमाओगे और तुम वहां खड़े मिलोगे आफ्टर शेव लगाते हुए। पर अब ना आफ्टर शेव की खुशबू ना तुम। तुम्हारे बगैर सब अधूरा सा लगता है अमन। दादाजी जब भी चाय पीते हैं साथ में कुछ खाते जरूर है, नहीं तो कहते हैं कि पेट में जलन होने लगती है। क्या है? यस, आपके फेवरेट खाने पड़ेंगे। क्या करें? करना क्या है, सबसे हैप्पी वाला बर्थडे मनाना है और क्या। यस। पापा जी गए हैं, मुझे उन्हें बिजली का बिल देना है। कहाँ गया? एक बात बता, कितना मेगापिक्सल कैमरा है?
5 मेगापिक्सल कैमरा। सच्ची? अच्छा कितने का है? 8000। 8000 में आजकल मिल पर क्या है बताओ? हैं? अरे पर उन्हें तो कही थी कि बिना बिल सस्ता गिरेगा। यार प्लीज बात करके देखना मेरे लिए यार। पर मेरे पापा तो एक नंबर के मक्खी आदमी है, मक्खी। माँ कसम अगर उनकी जेब फटती भी है ना तो भी सिर्फ 54 फिसलती है, 54। क्या बोल विकास भैया, वो फिजिक्स की किताब है कि नहीं हमके पास? पापा जी बिजली का बिल परसों लास्ट डेट है, मैं भूल गई थी आपको देना। बेटा बाजार से कुछ चाहिए? आज अद्दू का बर्थडे है ना, तो अद्दू का गिफ्ट उसका बैट। कुछ नहीं पापा जी, ये तो ऐसे, आप बस माँ का सामान ले आइएगा। इधर आओ नन्नी, हम पापा जी से हर चीज नहीं मांग सकते ना। पर अब पापा नहीं है और किससे मांगी? मांगने की जरूरत क्या है बेटा, अगर हम अभी अद्दू के लिए बैट नहीं खरीद सकते तो ना सही। तुम्हारे दादाजी के ऊपर हम सबकी वैसे ही बहुत जिम्मेदारियां हैं नन्नी, इसमें शर्म और दुख की कोई बात नहीं है बेटा। हमारे पास जो है जैसा है, बहुत ज्यादा नहीं है पर काफी है हमारे लिए, उसमें सर उठा के इज्जत से जीना सीखो। तुम्हारे पापा भी यही कहते थे ना, है ना? तनु तू ये क्या कर रहा है? बी बुक। अब तो मेरे बैग में किताबें रखने को किन्ने बोला था तुझे? एक मिनट होल्ड में रख। तनु, तनु ये क्या कर रही है? ये बैग मैंने ही दिया इसे, हैं? देख कितना बेकार सा तो हो गया। रख ले बेटा, तू रख ले। लड्डू, तेरे डैडी तेरे लिए नया बैग लाए हैं, वो चाइना वाला, हैं? तू वो ले। अरे अच्छा तो है ये। यार फालतू में नए बैग के पीछे खर्चा करेंगे, उनसे एक नया मोबाइल फोन नहीं लिया जाता मेरे लिए। तन्नु, तन्नु बेटा मेरी बात तो सुन है। तन्नु, चंचल, सारी सारी, नहीं नहीं कोई बात ही नहीं है। दरअसल ये तन्नु के डैडी है ना, उसके लिए जो मार्केट में नया फोन आया हुआ है सबसे महंगा वाला, वही उठा ले आए हैं उसके लिए, हैं? अब मेरे छोरे को इतने महंगे फोन का रंग ही पसंद नहीं आया। समझ नहीं आता कि कैसे समझाऊं मैं तन्नू। तू तो जानती है ना, हैं? कि अकेले इसके डैडी हैं जो कमा रहे हैं, और खाने वाले तो इतने भरे हुए हैं मेरे घर में, किन किन की ख्वाहिशें पूरे करें हम, हैं? बता। मालपुए अद्दू की फेवरेट है। जानती हूँ, 100% मेरे अमर पे गया है। मैंने, उसके बाबूजी ने बोलते रह गए, मज्जा घर छोड़ के या इंदौर में काम की क्या कमी है, उन्हें घर बसाने की जल्दी मचा रखी थी। उसके बाबूजी ने तो यहां पर उसके लिए नौकरी भी ढूंढ ली थी, पर भोपाल जाने की जिद लेके बैठ गया। तेरे कहने पे कि तुझे भोपाल जचता है, अपनी मर्जी से ब्याह किया, हमने कुछ नहीं कही। यहां रहता तो कम से कम आज हम तो ना उजड़ते ऐसे। हम्म,
₹1,800 में नन्नी और अद्दू की स्कूल फीस और घर के छोटे मोटे खर्च तो निकल ही जाएंगे। फिर मेरे पास बचे 2,000। 2,000 में से स्कूल बस और नई स्कूल यूनिफॉर्म, मतलब मेरे पास बचे 500। पर अद्दू के बैट के लिए तो कम से कम ₹800 की जरूरत है। कहाँ से मिले तुझे? पापा ने मुझे ये हर बर्थडे पे दिए थे, संभाल के रखे हैं इन्हें। अरे 2-500 तो मैं यूं ही उनके जेब से निकाल लेती हूँ, हैं? उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा एक मिनट होल्ड में रख। हाँ मेघा, आज फिर भिंडी बन रही है। अब मैं कुछ कहूंगी ना तो फिर सबको बुरा लगेगा। मैं 2 मिनट में फोन करती हूँ। हाँ करती हूँ। तुम जानती हो कि तन्नु को भिंडी पसंद नहीं, उसके दांतों में अड़ जाती है, हैं? अब काम का चिड़चिड़ाएगा वो। अच्छा एक काम करते हैं, साथ में एक और सब्जी बना लेते हैं तन्नू के पसंद की, ठीक है? तुम बाजार जा रही हो? जी। अच्छा तो ना तेल का कनस्तर साथ ले आई हो, खत्म हो गया। मैं तो इन्हें इतना समझा चुकी हूँ कि जब घर में लोग बढ़ जाते हैं है, तो घर की हर चीज भी ज्यादा खर्च होने लगती है, लेकिन हम औरतों का हिसाब किताब इन लोगों की कभी पल्ले पड़ ही नहीं सकता। सही बोल रही हो ना? तो तू ले ही आना, ठीक है? एक काम करना, मैं तो कहती हूँ कि बगल में जो हमारा किराने वाला है ना, वहीं पर चली जाओ। उसके वहां ना बड़ी स्कीम वगैरह चल रही है, 5 लीटर का कनस्तर ही उठा लियो, है ना, सस्ता गिरेगा। 5 लीटर तेल मतलब कितने का? तो चिंता मत कर, सब हो जाएगा। जा ये भिंडी रखा। आज तो बहुत खुश होगा कि उसको बैट मिलेगा। तो जा रहे हैं मम्मी। मम्मी नहीं बेटा, अपन वहां से खरीदेंगे। देख okay. ये छोटा वाला बैग कितने का है भैया? ये वाला 700 का है। इतना छोटा बैग ₹700 का, बड़ा महंगा बेच रहे हो। चलो नहीं कहीं और से खरीदेंगे। अच्छा, कितना दोगी? ₹400। अरे पूरे इंदौर में ₹900 से कम का नहीं है। असली सागवान का है, चाहे तो सामने वाली दुकान पे पूछ लो। अगर मेरे ना छोटे भाई का बर्थडे है और इसे गिफ्ट में बैट ही चाहिए, पर हमारे पास ₹400 से ज्यादा नहीं है। तो फिर एक काम करो, ये वाला ले लो। ये सिर्फ ₹75 का है और इसमें प्लास्टिक की बाल भी फ्री है। चल ननी, अद्दू के लिए कुछ और खरीद लेते हैं। अद्दू थोड़ा मुंह बनाएगा पर थोड़े समय बाद मान जाएगा। अच्छा 600 देना। 550 दोगी? 500? हे गणेश जी, कुछ मजा करिए, बस अद्दू हैप्पी हो जाए आज। तू भगवान से क्या मांगती रहती है ये? अगर भगवान ऐसे ही सबकी विश पूरी करने लगे तो सब भगवान को याद करना छोड़ देंगे। आ, 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 वो मेरी सारी विश पूरी करते हैं। तो चिंता क्यों करती है, हम अद्दू को बना लेंगे। और ये मिस्टर लालची बंदर फिर से अपना गिफ्ट ढूंढने में नाकामयाब रहे हैं। और हाँ, उनके साथ उनकी वाना सेना के 4-5 सैंपल और भी है। टीम सब जगह देखना, मेरी मम्मी हर साल मेरा गिफ्ट छुपाती है।
टीम फॉलो मी। और ये वाले थे ना फिर से पूरे जोश में, लेकिन अभी भी कोई भी सफलता हाथ प्राप्त नहीं हुई है उन्हें। बात तो सुन मेरी, तू मेरी बात तो सुन। और ये वाला सेना बच चले सोफा सेट की तरफ, उन्होंने पूरे घर को सर पे उठा रखा है। बेटा सुन तो सही। और ये वाला सेना बच चले दादाजी की तरफ, और अगर दादाजी गुर्रा दिए तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। अरे तो दादाजी हाथ पड़े, लगता है दादाजी को कुछ भी नहीं पता है। अदु मेरी बात सुन, आज लगता है इनकी सिट्टी पिट्टी गुल होकर ही रहेगी। अदु सुन मेरी बात। अरे मम्मी आप मुझे मत बताओ, मैं खुद डूबूंगा प्लीज। और ये वानर सेना बच चुकी है मेरे पापा के कमरे की तरफ, जहाँ मेरे पापा कुछ ना कुछ ऑफिस का ही काम करते रहते हैं। ये मेरे पापा कितने बिजी अकाउंटेंट, लेकिन उनके बेटे के पास एक घटिया पुराने मॉडल का मोबाइल फोन है। शेम शेम शेम। ए तनु तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे हैं? अरे अदु ये क्या ढूंढ रहा है? अरे क्या ढूंढ रहे हो, क्यों आए हो यहाँ पर? क्या हुआ, क्या हुआ अदु, क्यों आए हो? ताऊजी ताऊजी मम्मी ने मेरा गिफ्ट छिपाया, वही ढूंढ रहा हूँ। अरे बेटा मैं तो सुबह से यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अब यहाँ से जाओ, हाँ मुझे काम करने दो, नहीं तो बॉस मुझे डांटेंगे। इस बार भी वाना सेना हार गई, हार गई। और अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट। और हम पहुंच गए जीजी बुआ के कमरे में। ओहो, अरे क्या चाहिए है? ये है हमारी जीजी बुआ, दादाजी की छोटी बहन। इनकी उम्र पे मत जाना, इनके अंदर भी करीना कपूर छुपी हुई है। शैतान, कम से कम तूने तो मुझे पहचाना। तू क्या ढूंढ रहा है बेटा है? जीजी बुआ मम्मी ने मेरा गिफ्ट छुपाया, वही ढूंढ रहा हूं। बेटा यहाँ कोई नहीं आया, मम्मी ने गिफ्ट बाहर छुपाया होगा। और ये नाकामयाब कोशिश। ओहो मेरा बैग बिगाड़ दिया, अब त्वचा में निखार कैसे आएगा बोलो तू? और ये वाले सेना भाग चली है किचन की तरफ। अब देखना है गेंद बचे 4 मिनटों में ढूंढ पाती है या नहीं। और ये आ गई हमारी प्यारी दादी। दादी आपने मेरा बैग देखा? नहीं तो। अरे अद्दू सुन, मालपुए खाएगा? अरे अरे माँ जी देखिए ना, सारे के सारे मालपुए खा जाएंगे, मेरे तनु ने तो अब तक कुछ चखा भी नहीं है। और ये आ गई द मोबाइल क्वीन, मेरी मम्मी। मम्मी मालपुए खत्म कर जाएंगे। माँ जी खा तो लिए ना सबने, थोड़ा तनु को खिला दो। क्या हुआ, तेरा गिफ्ट मेरे पास है? सच? दिखा। बैट नहीं, इस बार मम्मी बॉल लाई है। और ये एंटी क्लाइमैक्स, और इस कमेंटेटर की भविष्यवाणी सच पड़ी। इस लालची बंदर के आज बैट नहीं लेकिन बॉल जरूर मिल गई है। खैर इसकी हाइट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए बैट नहीं कपड़े धोने वाला डंडा ज्यादा ठीक रहेगा। छूट, मम्मी जानती है मुझे, मुझे बैट चाहिए, मुझे अपनी क्रिकेट टीम में आना है, और वो मुझे मेरे बैट के बगैर नहीं खिलाएंगे। टीम फॉलो मी। सुन तो सही, मां मान बताओ मैं कौन ढूंढूंगा। भगवान जी अदु को अपसेट मत होने देना आज। लगता है कि इसकी मम्मी ने नया बैट छुपाया है, लेकिन क्या पता नया बैट हो ही नहीं। समय बचा है सिर्फ 1.5 मिनट। टिक 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 टिक। अब तो मेरी बात अच्छी सुनो। समय की टिक टिक की बढ़ती जा रही है, कोई लाइफ लाइन नहीं बची है। मायूस सुती हुई ये वाला सेना की टीम। खैर अब सिर्फ बचा है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। तनु चुप रहे। 45 सेकेंड। तनु मैंने कहा चुप कर। 30 सेकेंड। टिक 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 टिक। 25 सेकेंड। मिल गया।
भगवान जी मेरी हर विश पूरी करते हैं मम्मी, इसलिए मैं गांठ बांधती हूँ। थैंक यू गणेश जी। थैंक यू मम्मा, मना करते थे ना सब मुझे कि मेरे पास बैठते हैं। अब देखता हूँ कैसे निकलाते हैं मुझे अपनी टीम में। Let's play team। बंदर के हाथ में मोतियों की माला, तेंदुलकर के पास जैसे यही है ना। जानती हो मेघा, जब अमर छोटा था ना, तो मैं उसे उसके हर जन्मदिन पर इंदौर के इसी खजराना मंदिर में गणपति जी का आशीर्वाद दिलवाने लाती थी, और तुम्हारे पापा बंदर की तरह उछलते रहते थे। शैतान। और पता है, कहते हैं कि इस मंदिर में गणपति जी की इतनी महिमा है कि जो मांगो वो मिल जाता है। तुम भी मांगना। पंडित जी, आज इसी का जन्मदिन है, भगवान का आशीर्वाद दिलवाने लाई हूँ, ताकि बड़ा होके खानदान का नाम रोशन करे। बेटा, बड़े होकर सही राह पे चलना, और ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे खानदान का सर शर्म से झुक जाए। और अपने बाप की तरह तो बिल्कुल मत करना। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, और आंखें बंद कर भगवान जी से प्रार्थना करो। ये जो गणेश जी है ना, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जो मांगो जल्दी से दे देते हैं। चल। गणपति जी, पापा के बाद मेरी मम्मी वो पहले वाली मम्मी नहीं रही। देखिए ना, आज पूरा दिन कितनी परेशान थी, टेंशन में। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे उनकी सारी टेंशन्स खत्म हो जाए? जब पापा मम्मी को पानी पूरी खिलाने ले जाते थे तो उनको बहुत हंसाते थे। ए, क्या कर रहा है? देख के नहीं जा सकता क्या? वो मम्मी के कामों में कितनी हेल्प करते थे। हेल्प, बचाओ। मैं हट। खाना बनाने में, यार। कपड़े धोने में, मम्मी से कितने प्यार से बात करते थे। ए, रुक! क्या आप किसी को भेज सकते हैं? कुछ मैजिक कर सकते हैं जो मम्मी को फिर से हंसा दे?
और जो मम्मी को फिर से पहले जैसी मम्मी बना दे। Somebody help! बचाओ! प्लीज हेल्प कीजिए, मुझे बचाइए। किससे? बचाओ! मैं हट रास्ते से।